Oh, hi, Mama Ji. This is Rico. Rico Irani from Movie Stars, you know. खड़ा हो। Excuse me? Appointment लिया था? Actually, what happened? I just dropped in. Well, never mind. Catch up later. मामा जी, वो कितनी बार समझाया है मुझसे पूछे बिना किसी से कुछ नहीं कहना। अगर ये लोग गलत छाप देंगे इमेज तुम्हारी खराब होगी, भागदौड़ मुझे करनी पड़ेगी ना। हैं? आइंदा ऐसा ना हो। डायरेक्टर ने कहकर बोल दिया है, सीधी घर जाओ, तैयार रहना, 10:30 बजे ओबेरॉय में फंक्शन है। अरे आ गई बेटी। हाँ काका। ला। नहीं काका, मैं ले जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी। काका नहीं। अच्छा आ गई महारानी, अभी टीवी पे गाना देख रही थी तुम्हारा। कौन सा? पता नहीं, गाने से ज्यादा मैं तुम्हें देख रही थी। कितना गंदा मेकअप था, उफ, जैसे चेहरे पे चौक मल रखा हो। और तुम्हारा डांस बहुत थकी हुई लग रही थी। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द घर पे बैठना पड़ेगा, काम पर ध्यान दो, समझी? मामा, मैं इन घर के नौकरों से तंग आ चुकी हूँ। कितनी देर से मैं एक टॉवल मांग रही हूँ, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। रंभा, तुम्हारे सर पर वो मेरा शूटिंग का कॉस्ट्यूम है। तो प्रोड्यूसर से कह के नया बनवा लो। अरे यहाँ के स्टार्स तो अपने प्रोड्यूसर्स के खर्चे पे पूरे खानदान के कपड़े बनवा लेते हैं, और रंबा ने तुम्हारा कॉस्ट्यूम क्या छू लिया? तुम इतना बड़ा नाटक करने लगी? और नहीं तो क्या, ये हीरोइनगिरी ना अपने सेट पर दिखाना, यहाँ नहीं, समझी? और सुन, आज रात फंक्शन 10:50 to 11:30 शुरू होगा, मिनिस्टर साहब लेट आ रहे हैं। इतनी देर से? लेकिन मामी जी, मेरी तो 7:00 की शूटिंग है। तो जैसे बाकी के तो सब निठल्ले हैं, तुम्हारे लिए फंक्शन कैंसिल कर दे। अरे 4 फिल्में क्या कर ली, अपने आप को बड़ी स्टार समझने लगी, बड़ी आई नखरे वाली। कीड़े पड़े इनको, जरा भी रहम नहीं दिल। तुम दिन भर काम करती हो और बर्ताव ऐसा करते हैं जैसे ये घर चला रहे हो। ऐसा मत कहो काका। क्यों ना कहूँ, मैं कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन दिल की भड़ास तो निकाल सकता हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर सकती। एक तरह से अच्छा ही हुआ बड़ी मालकिन हमारे बीच नहीं रही, वरना अपनी बेटी को इन शैतानों के बीच पिसता देखकर न जाने उन पर क्या भी। गाड़ी तैयार रखो, फंक्शन में जाना है। हेलो। आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो भाई, और मेरी गुड़िया बिल्कुल परी नहीं नहीं बिल्कुल भूता लग ले, भूता। गुड इवनिंग। अरे क्या हो गया? अरे कोई कुछ बोलेगा, क्या हो गया? आपकी लाडली भांजी के पर निकल आए हैं, एक दो फिल्में क्या चल गई, अपने आप को सुपरस्टार समझने लगी है। क्या किया उसने? पापा, गलती से मैंने उसकी फ्रॉक छू ली तो उसने मुझे इतना बुरा भला कहा कि पूछे मत। इतना ही नहीं, जब मैंने कहा कि फंक्शन थोड़ा देर से शुरू होगा तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, शायद कुछ ज्यादा ही ढील दे दी मैंने उसे। सुना तुमने फंक्शन में जाने से इनकार कर दिया? नहीं नहीं मामा जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि वो फंक्शन देर से शुरू होने वाला है और मेरी सुबह में शूटिंग है। तुम क्या समझती हो, कैमरे के सामने एक्टिंग कर ली, नाच लिया तो सब कुछ हो गया? इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो संभालना पड़ता है। फंक्शन में मिनिस्टर आ रहा है,
कस्टम ऑफिसर आ रहा है, इनकम टैक्स कमिश्नर आ रहा है। इन टैक्स वालों का एक बार भेजा फिर गया ना तो मौका मिलते जेल के अंदर डालने के तुम्हें। फिर इसलिए बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है, है ना, है ना। तैयार हो जाओ जल्दी। तो मेरे पास क्यों नहीं हूँ माँ? क्या देख रहा है? हाँ? क्या देख रहा है? मैं वो चांद देख रहा है। हाँ चांद। चांद, लेकिन चांद है किधर? चांद आने वाला है। हाँ बेटे, रात भर देखता रहेगा ना फिर भी वो चांद कभी आएगा नहीं। चांद को देखना है ना तो सुबह ऑटो पकड़ के महबूब स्टूडियो में जाने का और एकदम नजदीक से जी भर के तेरे चांद को देखने का। लेकिन मैं महबूब स्टूडियो जाऊंगा कैसे उस्मान भाई? ऑटो में 15 रुपया होता है बेटा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अलाउ कौन करेगा स्टूडियो में? वो राम सिंह है ना बेवड़ा, उसको बोल के मैं सेटिंग कर दूंगा, वो ड्राइवर को बोल के फिट कर दे। चलो अब रात बहुत हो गई, सो जाओ। रिक्शा रुको रुको रुको, रिक्शा रुको, महबूब स्टूडियो लेना। हाय। अरे तू मलिकों को देख के गाँव चले जाऊंगा बोलता था, अभी तक गया नहीं क्या? अरे लेकिन मैंने उसे अब तक देखा ही कहा है। देखेगा भी नहीं साला, तू कभी नहीं सुधरेगा। तेरी लाइफ में भी एक विलन आएगा ना बोनी कपूर की तरह, तब तेरे को पता चलेगा। अरे सपने कभी सच नहीं होते यार। अरे एक का भी सपना सच हो जाता तो सारा इंडिया मुंबई में आ जाता। अरे इतनी सारी हीरोइन है। हाँ ये पूजा है, करिश्मा है, रवीना है, शिल्पा है, मल्लिका है, चल मल्लिका तो तेरी है। हाँ ये मनीषा है, करिश्मा है, बेंद्रे है, सोनाली। दिखने में मैं भी तो कम हैंडसम नहीं हूँ, दिखता हूँ ना एकदम साउथ इंडियन हीरो की तरह मस्त। पहले मैं मूछ रखता था फिर निकाल। क्यों? बोनी कपूर रखता है ना। हाँ। साला चमाको बहादुर। चमा क्या? चमाको बहादुर। वो क्या होता है? अरे दुनिया की सारी गालियां उसे दे डाली, इसलिए उसके लिए नई गाली मैंने ढूंढी है, चमाको बहादुर, सिर्फ उसके लिए। मेरी रूप की रानी को उठा के लेके गया चोरों का राजा। आ गया देख तेरा महबूब। महबूब स्टूडियो, स्टूडियो महबूब स्टूडियो। कैरेट एक्सलेंट, नेक्स्ट शॉट कैमरा इस तरफ। अरे बेटा ये ट्राली उठा ले। मालिका जी, मेरा नाम किट्टू है। आपके घर के सामने वाले रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा? मैं पुणे से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आपकी आपकी हर फिल्म में मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, कम से कम 10-12 बार। आपकी 2000 फोटोग्राफ है मेरे पास। 2000 फोटोज? 2000। आज तक जितने भी मैगजीन में आपकी फोटोग्राफ आए वो सब मेरे पास है। मेरे पास आपका एक बहुत बड़ा पोस्टर भी है। हाँ लेकिन अब वो फट गया, पापा ने फाड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं इसलिए घर छोड़ के यहाँ आ गया। तुम्हारे डैडी ने मेरा पोस्टर फाड़ दिया इसलिए तुमने घर छोड़ दिया?